तो भाई कूलिंग पैड एक ऐसी चीज है जो लैपटॉप को ठंडा करता है, लैपटॉप स्टैंड का भी काम करता है और आरजीबी के नशे मजा आ जाता है यार। इसलिए आज एक दो नहीं 5 कूलिंग पैड है, दुकान लगा देंगे पूरी कूलिंग पैड की, खोद खोद के निकाले भाई साहब। मजा करो, तुम्हारी भी हेल्प ली थी इसमें हमने। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो जाके, तो फिर अब एक एक के दर्शन कर लें। तो पहले अपने पास है अमेज़न बेसिक्स वाला कूलिंग पैड, काफी सिंपल बॉक्स है इसका, एकदम वाइट सा डब्बा। यहाँ लिखा 12-17 इंचेस मैकबुक, तो शायद हो सकता है मैकबुक के लिए बनाओ, बाकी देखते हैं विंडोज के लिए भी है या नहीं। भाई ओहो, एक USB-to-USB वाली ब्रेडेड केबल और नीली केबल है भाई, प्रीमियम लग रही है काफी ज्यादा। पैकेजिंग तो अच्छी है यार, पूरा एकदम इसके बारे में जानकारी है भाई। भाई चमक देख रहे हो इसकी, मतलब यहाँ से साइडों से बिल्कुल एकदम सिल्वर प्लेट लगा रखी है, ऐसा लग रहा है ये लैपटॉप को रोकने के लिए जो बना रखे हैं ये भी बिल्कुल एकदम सिल्वर फिनिशिंग कर रखी है। यहाँ अपनी डिस्प्ले लगी है और इसके बटन्स आरजीबी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। बाकी पीछे कुछ ऐसा सा है भाई, पंखे वंखे लगे हुए हैं पूरे, और ये ऐसे खुलता है, ऐसे कुछ ये सेट हो जाता है और 7 अलग अलग लेवल इसको हम सेट कर सकते हैं हाइट को। बाकी सामने की तरफ ये जो पूरी मैश लगी हुई है ये भाई मेटल की है, बाकी पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, बट क्वालिटी बहुत जबरदस्त है भाई, कहना पड़ेगा, मतलब का फील नहीं होगा किसी भी जगह से। बाकी इसका साइज देख के तो मुझे ये लग रहा है कि 15 इंच तक का कोई भी लैपटॉप इसमें आराम से आ जाएगा। टॉप पे अमेज़न की ब्रांडिंग कर रखी है। और यहाँ ऊपर मिलता है हमें 2 USB पोर्ट, क्योंकि एक पोर्ट ये अपने लैपटॉप को खा जाता है ना, तो 2 पोर्ट इसलिए देता है अगर और किसी डिवाइस को पावर देनी है। तो चालू होने के बाद कुछ ऐसे इसके पंखे चलते हैं, 4 छोटे पंखे 2 बड़े पंखे, और यहाँ से भाई फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो तुम, मैक्सिमम 6 तक जाती है, मिनिमम 1 तक जाती है, बाकी यहाँ से बंद भी कर सकते हो। और लेफ्ट और राइट साइड पे 2 यहाँ पर हमें पतली आरजीबी स्ट्रिप मिलती है, इस वाले बटन से आरजीबी कंट्रोल हो जाती है। तो जैसे दबाएं तो भाई अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, और स्टैटिक कलर भी आता है, काफी सारे कलर है, ये ब्रीदिंग इफेक्ट, ये लाइन इफेक्ट, ओहो भाई कितने सारे इफेक्ट्स हैं, 7-8 इफेक्ट्स हैं, लुक तो तगड़ी है भाई। तो पहले अपने 15 इंच के थिन एंड लाइट लैपटॉप को रख के देख रहे हैं, और देख सकते हो आराम से भाई फिट आ गया, पूरा इसके साइज का है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 16 इंच का है, वैसे 15 इंच का भी नहीं है, बाकी काफी स्टेबल है भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से पकड़ के रखता है। तो अपने गेमिंग लैपटॉप को रख के देखते हैं इस पे, और गेमिंग लैपटॉप भी आराम से इसमें फिट आ जाता है, उतना ही थोड़ा सा बाहर है, बट पूरा है ऑलमोस्ट, तो आराम से तुम काम वाम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल एकदम अच्छे से स्टेबल है। अब अगर अपने 13 इंच के मैकबुक एयर को रखें इस पे तो बहुत ही पतला लग रहा है, इसके आगे लैपटॉप तो पूरा आ ही जाएगा आराम से। बाकी 16 इंच वाला मैकबुक भी इस पे आराम से फिट आ जाएगा, नो डाउट। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत सॉलिड लगा मेरे को, मतलब काम अच्छा किया अमेज़न ने इसमें। तो लेफ्ट साइड पे बिना कूलिंग पैड के, राइट साइड पे अपना अमेज़न बेसिक्स वाला कूलिंग पैड यूज हुआ है, देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का, 10 डिग्री के आसपास आ रहा है, जो कि बहुत ही सही लगा मेरे को। बाकी फैन स्पीड ऑटोमेटिक पे थी सारे गेम्स में, और सेम सेटिंग्स पे टेस्ट हुआ है। नेक्स्ट अपना पोर्ट्रोनिक्स की तरफ से माय बॉडी एयर कूलिंग पैड, इसका डब्बा थोड़ा छोटा सा लग रहा है देखने में, पर लग तो अच्छा रहा है। ओहो, बबल रैप के अंदर आता है कूलिंग पैड, तो इसके साथ भी हमें बस एक USB-to-USB वाली केबल मिलती है, एक ये कागज मिलता है वारंटी वगैरह के लिए। तो ये भी एक आरजीबी कूलिंग पैड है, अब तुम्हें पता है यार आरजीबी के बिना काम चलता है क्या? ये सारे तुम्हारे रिकमेंडेशन पे लिए मैंने, खुद से कुछ नहीं लिया मैंने। तो देख सकते हो इसका डिजाइन कैसा है, इसमें हमें 6 छोटे पंखे मिलते हैं, यहाँ सामने पोर्ट्रोनिक्स की ब्रांडिंग, और यही अपने लैपटॉप को रोकने का भी काम करती है, और यहाँ पर पैडिंग कर रखी है वैसे, ताकि लैपटॉप पे हार्श ना रहे। बाकी इसका साइज मुझे छोटा लग रहा है, पता नहीं 15 इंच वाले लैपटॉप के लिए है या सही नहीं, देखते हैं अभी। तो पीछे से भी बिल्कुल एकदम प्लास्टिक का है, सामने की साइड इस पे भी मेटल वाली मैश लगी हुई है, बाकी हाइट एडजस्टमेंट इसकी होती है पीछे से, कुछ इस तरीके से ये खड़ा हो जाता है भाई अपने बलबूते पे। और पीछे यहाँ पर हमें फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए ऐसे ये 2 मीटर लगे हुए हैं, और 2 USB पोर्ट लगे हुए हैं इसके, चालू करते हैं बस। ये बटन ना आरजीबी के लिए है भाई, आरजीबी के अलग अलग मोड्स के लिए ये लगी हुई है इसकी आरजीबी स्ट्रिप। तो जैसी मैं बटन दबाया मैंने, एक तो अपना ये वाला मोड आता है ब्रीदिंग, दूसरा अपना ब्लिंक वाला मोड बन चालू होती है इसमें, और तीसरा है स्टैटिक, बाकी जो कलर है वो चेंज नहीं होता। 3 मोड मिलते हैं इसमें, ज्यादा कुछ सेटिंग नहीं कर सकते आरजीबी की, नॉर्मल सी है। बाकी ये ऑरेंज ग्रीन और जो अपना व्हाइट कलर यहाँ पे मिक्स रखा है, ये दिखाने के लिए कि ये मेड इन इंडिया है, नाइस। बाकी फैन तो अच्छी खासी हवा दे रहे हैं यार इसकी। बिल्ड क्वालिटी वाइज ना अमेज़न वाला इससे ज्यादा तगड़ी बिल्ड का लग रहा था, ये ठीक ठाक बिल्ड है, मतलब नॉर्मल सी। अब एक बार लैपटॉप भी रख के चेक कर लेते हैं। तो पहले अपना गेमिंग लैपटॉप रख रहे हैं हम, 15 इंच वाला लैपटॉप तो पूरा कवर कर रहा है और इसके वेट को भी झेल पा रहा है। तो लैपटॉप देख सकते हो तुम यहाँ साइड से बिल्कुल पूरा फिट है भाई, इसको इंच बाय इंच पूरा एग्जैक्ट फिट आता है इस पे, मतलब सामने से देख के लगेगा भी नहीं पता कि पीछे कूलिंग पैड रखा हुआ है, गायब हो जाता है। स्टेबल तो मुझे लग रहा है, ऐसे कोई
टाइप वाइप करें या फिर अगर हम चलाएं भी सही इसके ऊपर रख के, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं लग रही भाई, ओवरऑल स्टेबल है। अब 16 इंच वाला रखा है, ये भी अपना बिल्कुल फिट आता है इस पे, जो थिन एंड लाइट लैपटॉप है ये भी स्टेबल है भाई। मैकबुक भी देख लेते हैं कैसा लगता है। तो अपने 13 इंच वाले मैक को रखें अगर, तो उसके लिए तो आई थिंक ये परफेक्ट साइज है, बिल्कुल पूरा ऐसा लग रहा है मैक के लिए ही बनाया है इसको, क्योंकि शेप भी देख सकते हो बिल्कुल एकदम मैक के जैसी लग रही है इसकी स्क्वायरिश। आराम से 16 इंच वाला मैकबुक भी इस पे पूरा आ जाएगा, स्टेबिलिटी में भी दिक्कत नहीं लगी मुझे, बाकी बिल्ड क्वालिटी भी ओवरऑल अच्छी है इसकी। बाकी एक ये मोबाइल स्टैंड आता है इसके साथ, तो ये रहा अपना फोन स्टैंड, यहाँ पर ऐसे तुम फोन रख के रखो भाई, और यहाँ पे अपना लैपटॉप चालू करके रखो, मस्त एकदम VIP फील लो, इकोसिस्टम वाली। अमेजोन वाले के साथ हमें मोबाइल स्टैंड नहीं मिलता। पोट्रोनिक्स वाले कूलिंग पैड को टेस्ट किया, अमेजोन जितना ठंडक नहीं थी, बट ये भी अपना काम अच्छे से कर रहा है, 5-6 डिग्री तक कम कर दिया इसने भी। नेक्स्ट है भाई अपना ये टेकी ब्रांड का कूलिंग पैड, तो बॉक्स देख सकते हो कैसा है, ये भी अपना RGB वाला कूलिंग पैड है। सारे रिकमेंडेशन देख के मंगाया मैंने, ढूंढ ढूंढ के जो सही लगे। ये वाला कूलिंग पैड ना मैं कुछ महीनों से यूज कर रहा हूँ, तो मैंने एक कांड भी किया इसके साथ बताता हूँ अभी। ये आती है साथ ब्रेडेड वाली USB वाली केबल, और ये रहा अपना कूलिंग पैड। तो इस पे भी सामने आयरन की मैश मिलती है, लेकिन इस वाले का डिजाइन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें फैन स्पीड और RGB वाले बटन और डिस्प्ले वगैरह मिलती है, और ये अपने लैपटॉप को रोकने के लिए दो स्टॉपर्स, बाकी खुलता है कुछ इस तरीके से, और ऐसे ये अलग अलग लेवल्स पे ये भी एडजस्ट हो जाता है भाई। इसमें भी हमें 7 एडजस्टमेंट्स मिलती है हाइट के लिए। बाकी ये रहे इसके दो USB पोर्ट्स, तो यहाँ पे लगा के अगर हम इसे चालू करें, लो जी भैया चालू हो गए, और RGB के तड़के भाई साहब मजा आ गया। मेरे को इस वाले की RGB सबसे ज्यादा तगड़ी लगी थी, मतलब क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा RGB है, ज्यादा RGB हानिकारक नहीं होती है। 3 बड़े पंखे मिलते हैं यहाँ पर, 2 दिख रहे होंगे तुम्हें, एक और पंखा हमें ना यहाँ मिलता है, ये मैंने तोड़ दिया था, मतलब खराब हो गया था मुझसे, तो मैंने खोल के इसे को बाहर निकाल लिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अपना काम चल रहा अभी भी, टेंशन मतलब तुम्हें सही मिलेगा, ये मेरी गलती की वजह से हुआ था। और इसकी भी 6 फैन स्पीड तक जाती है भाई, यहाँ डिस्प्ले में दिखता सारा कुछ, और RGB के अगर मोड चेंज करने तो इस वाले बटन से हो जाते हैं, तो फैन की स्पीड अच्छी खासी है भाई। बाकी RGB वाले बटन से तुम देख सकते हो कितने सारे मोड्स है भाई, स्टैटिक में भी अलग अलग कलर है और अलग अलग मोड्स भी हैं, वही जैसे अपने अमेज़न वाले में थे, इसमें 10 अलग अलग मोड्स मिलते हैं हमको। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे ये भी बहुत ज्यादा सॉलिड लगा, प्लास्टिक है वैसे तो हर जगह से, आगे की साइड छोड़ के प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी है, डेफिनेटली नो डाउट जैसी होनी चाहिए वैसी है। मेरे हिसाब से 17 इंच के लैपटॉप को भी झेल लेगा, अभी तक जो रिव्यू किए थे वो 17 इंच के लैपटॉप के लिए नहीं है, पर ये 17 इंच को भी झेल लेगा। दिखाता हूँ अभी कैसे, ले आओ भाई लैपटॉप ले आओ। तो अगर तुम ऐसे 15 इंच का गेमिंग लैपटॉप रखते हो तो कुछ ऐसे ये फिट होगा, और अच्छी खासी जगह साइड से बच जाती है, और पीछे तक भी ये पूरा फिट नहीं आता, थोड़ी सी जगह हमारे पास बच जाती है, तो इसलिए 17 इंच तक का भी अगर गेमिंग लैपटॉप रखोगे तो आराम से झेल लेगा, एंड स्टेबल है काफी ज्यादा। मैं तो खुद यूज कर ही रहा हूँ काफी टाइम से, तो मुझे पता है काम वाम करते हुए पड़ा भी रहता है तो स्टेबल है, ऐसा हिलेगा हिलेगा नहीं। बाकी 16 इंच का अगर ये थिन एंड लाइट लैपटॉप भी रखे तो भी देख सकते हो कि कैसी लुक मारेगा, और पूरा तो आ ही जाएगा। बाकी मैक वालों के लिए लो भाई मैक भी रख दिया, मैक तो बच्चा लग रहा है इसके आगे ऐसा लग रहा है कि आप पापा के ऊपर बच्चा बैठा दिया। इसकी भी देख लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस। फिर टेकी वाले कूलिंग पैड से देखा तो ये भी 83-84 डिग्री तक ले आया, जैसा अपना अमेज़न बेसिक्स वाला काम कर रहा था, तो मतलब भाई ये कि जितने ज्यादा पंखे उतना बढ़िया काम, और इनके तो बड़े बड़े भी है पंखे। अगला भाई अपना एक कॉस्मिक वाइट विंड, इसके काफी ज्यादा कमेंट आए थे कि भाई ये वाला रिव्यू कर देना, लो भाई ये भी कर दिया रिव्यू। कूलिंग पैड और सामग्री क्या क्या है इसके साथ, वाह कॉस्मिक व्हाइट वाले एक लेवल ऊपर चले गए क्या भाई। भाई देख रहे हो कैसी केबल लगा के दी इन्होंने, लैपटॉप पे लगेगा एक एंड, दूसरा एंड क्या है तुम्हें USB पोर्ट देगा, फीमेल अडेप्टर भी है ये और मेल अडेप्टर भी है, छोड़ो तुम समझ जाओ। छोटा सा है, बहुत ज्यादा छोटा है भाई, बहुत ज्यादा, अब तक का सबसे छोटा कूलिंग पैड, शायद सबसे सस्ता भी है, पोर्टेबल है बहुत ज्यादा। स्टॉपर्स मिलते हैं सामने की तरफ, यहाँ पर ब्रांडिंग है, और ये दो बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं इसके ऊपर। देखो मैं ऐसे कह रहा था, अगर तुम्हें कोई USB पोर्ट यूज करना है ना, ऐसे यूज हो जाएगा इसके साथ, और ये वाला एंड लैपटॉप पे लग जाएगा। तो इसके पंखों में लगी हुई है RGB, और ये अपने आप चेंज होती रहती है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि दो छोटे छोटे बल्ब भी तो लगे हुए हैं। और हाइट देखें तो भाई हाइट वाइट कुछ एडजस्ट नहीं होती इसकी। तो पीछे ना इसके 4 छोटे छोटे रबर्स मिलते हैं हमें यहाँ पर, तो ये मतलब अगर ऐसे तुम्हें बिल्कुल एकदम सीधा रखना है तो उसके लिए भी स्टेबल है, और अच्छे से चिपक जाता है, काम करता है भाई बढ़िया, बिल्कुल हिलता नहीं है। बाकी हाइट ऊपर करनी है तो 2 ऐसे क्लिप्स मिलती है, इस पे भी रबर ग्रिप लगी हुई है, तो ऐसे हल्का सा ऊपर कर सकते हो इसे, बस ज्यादा ऊपर नहीं होता है। ये चीज थोड़ी बेकार लगी मुझे, दे देते ना अच्छे से भाई, ऊंचा नहीं होगा तो फिर एर्गोनॉमिक क्या। और भाई इसकी फैन स्पीड को भी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिक्स स्पीड पे घूमते हैं अपनी मर्जी से, कोई झंझट ही नहीं है। अब इस पे अपने दानव रख रख के देख ले बड़े बड़े, तो ये 16 इंच वाला रखेंगे सबसे पहले।
ले भाई। ओहो पूरा तो नहीं आता इस पे ना, बाहर जा रहा है दोनों साइड से, मतलब ऑलमोस्ट पूरा है, पीछे से बाहर जा रहा है। तो भाई ये 16 इंच के लैपटॉप के लिए तो नहीं बना, बाकी रखने को तुम रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और स्टेबल रहेगा एज सच। हाइट वाला थोड़ा फैक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा यार, हाइट तो देनी चाहिए थी। और अगर अपने 15 इंच वाले दानव के लिए तुम इसे रखना चाहते हो तो देख लो भाई, 15 इंच वाला लैपटॉप जो है ना गेमिंग, वो ऐसे लगता है कि जान निकाल रहा है इसकी, मतलब भाई झेल तो रहा है। वेट की कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, स्टेबिलिटी अच्छी है और कुछ ऐसे रख के तुम खेल सकते हो। ओहो मैक के लिए तो बना है यार ये, मैकबुक के लिए बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल एकदम छोटा सा हल्का सा, ऐसा लग रहा है कि खुश हो गया मैकबुक को देख के मैं इसी के लिए बनाऊं। तो भैया अगर तुम्हारे अल्ट्राबुक टाइप लैपटॉप है 13-14 इंच के, तो उसके लिए बहुत ही सही रहेगा ये, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि जा सकते हो उसके लिए। बाकी गेमिंग के लिए अगर तुम लेते हो कि ठंडक गेमिंग को ही चाहिए, तो बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक सी है इसकी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मान के चलेंगे, तो एक बार गेमिंग परफॉर्मेंस देख लो कैसी है। कॉस्मिक बाइट विंड पे जब हमने टेस्ट किया तो ये 3-4-5 डिग्री तक मैक्सिमम कम कर पा रहा था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली कम फैन है इस वजह से और थोड़ा छोटा भी है। अगला देखते हैं अब। नेक्स्ट है भाई अपने कॉस्मिक बाइट का मीटियोराइट कूलिंग पैड, और यहां देख सकते हो तुम ब्रांडिंग व्रांडिंग पूरी कर रखी है, अच्छे अच्छे पंखे दिख रहे होंगे तुम्हें और डिजाइन देख रहे हो बिल्कुल एकदम तितली वाला डिजाइन है। और इसका मेरे पास डब्बा नहीं है, फैकबुक दिया होगा क्योंकि ये 2 साल हो गए मुझे यूज करते हुए। इसमें एक RGB वाला वेरिएंट भी आता है, मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसके साथ हमें ये वाली केबल मिलती है USB to USB वाली, और यहाँ मिलते हैं 2 इसके USB पोर्ट, और ये 2 है ना ये फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो 1-3 फैन की स्पीड होती है, दूसरे से अगले 3 फैन की स्पीड, तो छोटे छोटे से लैपटॉप को रोकने वाले स्टॉपर्स। बाकी सामने की तरफ अपनी मेटल वाली मैश लगी हुई है इसकी, और पीछे से देख सकते हो पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। और हाइट एडजस्ट करनी है तो भाई यहाँ से उठती है एक टांग, दूसरा पैर यहाँ से उठता है, ऐसे करके ये कुछ अटक जाता है, अलग अलग हाइट्स भी एडजस्ट हो जाती हैं इस पे, तो टेबल है भाई पूरा, मैं तो यूज कर रहा हूँ मुझे पता है। बाकी इस पे और इस पे ना 2 रबर ग्रिप्स होती है, मेरी खो गई वो भी। तो ऑन करने के बाद तुम देख सकते हो कुछ ऐसी नीली नीली लाइट जलती है सारे पंखों के अंदर, दैट्स इट, करो यूज अब। तो ये अपना 16 इंच का थिन एंड लाइट रखे हैं इस पे, तो देख सकते हो तुम कितना बड़ा आता है इसके ऊपर, आराम से भाई इस वाले साइज के लैपटॉप को झेल लेगा, कुछ इतना फिट आता है और साइडों से थोड़ा जगह बचता है इसमें। ये कह सकते हैं कि 17 इंच का भी लैपटॉप रखोगे तो भी इस पे फिट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने गेमिंग लैपटॉप को अगर इस पे रखें तो यार देख सकते हो तुम यहाँ पर जगह बचती है अपने पास, तो कुछ ऐसी सी लुक्स मारेगा ये, नीचे से हवा देगा एंड स्टेबल है, गेमिंग लैपटॉप का वेट भी झेल लेता है बिल्कुल। छोटा क्यूट सा मैकबुक भी रखते हो अगर तो वो ऐसा लगेगा, बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी इसकी सॉलिड है नो डाउट, मेरे से कई बार गिर भी गया है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी देख लो ये कैसा परफॉर्म करता है गेमिंग के अंदर। देन कॉस्मिक बाइट मीटियोरॉइड पे देखा तो भाई 84-85 डिग्री तक था, तो ये भी अच्छा खासा 7-8 डिग्री तक टेम्परेचर कम कर रहा था, जो कि अच्छा है, मतलब कूलिंग पैड से डेफिनेटली भाई टेम्परेचर तो कम हो जाते हैं। तो यार ये थे कुछ अपने 5 तगड़े तगड़े कूलिंग पैड जो तुम्हारी रिकमेंडेशन पे मैंने रिव्यू कर दिए। इसमें बताना कमेंट में कि तुम्हें कौन ज्यादा तगड़ा लगा, और अगर तुम्हें इनमें से कोई भी खरीदना हो मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके खरीद सकते हो। और 1-2 और भी बढ़िया बढ़िया जो मुझे लगे थे ना, जो मैं रिव्यू नहीं कर पाया इस वीडियो में, नेक्स्ट टाइम फिर कभी कर देंगे, उनका भी मैं लिंक डाल दूंगा, अपने हिसाब से देख लेना तुम्हें कौन सा बढ़िया लगता है, जो लगे वो ले लेना। बाकी मुझे पर्सनली ये जो हल्के वाला है ये तो मैं कहूंगा कि अगर बहुत ही टाइट और हल्का बजट है तो ही लेना, ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा ये वाला, बाकी अपने बजट के हिसाब से देख लेना क्योंकि 1000 से नीचे ज्यादा अच्छा आता भी नहीं है। बाकी टेकी वाला मुझे बहुत सही लगा, इसे भी प्रेफर कर सकते हो, या फिर ये अमेजोन बेसिक्स वाला भी बहुत तगड़ा था भाई, मतलब लुक्स वाइज आरजीबी वाइज कैसे भी तुम इसे ले लो, मतलब हर चीज तगड़ी है इसमें। और अपना मीटियोरॉइड तो फेवरेट है भाई, आरजीबी वाला इसका वेरिएंट आता ही है, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी पोट्रोनिक वाला भी ठीक है, 1500 के हिसाब से थोड़ा मुझे महंगा लगा, और ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे सकते थे और आरजीबी में भी थोड़ा और ज्यादा तड़के लगा देते तो बढ़िया हो जाता। बाकी ठीक ठाक सही है ये भी, अगर मतलब प्रेफर करना चाहो 1500 से नीचे लेना तो ये भी ठीक सही लगा मेरे को। तो बाकी अपने हिसाब से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे तुम्हें, लेटेस्ट प्राइस चेक कर लेना। तो इन वीडियो को भी चेक कर सकते हो, और मजा आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे ऐसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।